राजधानी में बाबा जयगुरुदेव संगत की ओर से मुक्ति दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया गया और साथ ही इस अवसर पर नशा मुक्त शाकाहारी और गोरक्षा शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और मंत्री ने कहा कि जयगुरुदेव के अनुयायियों की ओर से शाकाहारी बनने के लिए जो अभियान चलाया गया वो उसका स्वागत योग्य है। इनका यह अभियान मानव कल्याण के लिए है और ये भी कहा कि हमारी सरकार इनकी मुहिम के साथ खड़ी है। जयगुरुदेव संगत के मीडिया प्रभारी मुकुट बिहारी ने बताया कि इस अवसर पर सभी अनुयायी 3 बजे तक व्रत रखते हुए शाकाहारी बनने और साथ ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने का प्रचार करते हैं। तो शाकाहारी बनाने के लिए जो जय गुरुदेव के चेलों ने, जय गुरुदेव मानने वाले लोगों ने जो अभियान चलाया वो बहुत ही प्रशंसनीय और स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि इनका डेडिकेशन जबरदस्त है और जय गुरुदेव ने जो भी संदेश दिया इस देश में वो संदेश मानव के हित में है, मानव कल्याण के लिए है। और इस दुनिया में जब भी कोई भी धर्म और संस्कृति की बात होती है तो भारत के संतों का, भारत के ऋषि मुनियों का नाम आता है। उसी कड़ी में जय गुरुदेव जी की अनुयायियों ने जो एक मुहिम पूरे देश में शुरू कर रखी है, पूरी दुनिया में शुरू कर रखी है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। पूरी सरकार जय गुरुदेव की अनुयायियों द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है मानव के सम्मान में और मानव के कल्याण के लिए, उसमें पूरी सरकार इनके साथ। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।